हेलो गाइस, यार फाइनली काफ़ी दिनों का इंतजार खत्म हुआ और जो है NTA ने जो है CUET PG के जो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो करेक्शन है वो यार ओपन कर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, CUET के जो PG के जो करेक्शन है वो ओपन कर दिए गए हैं। ओके, सो आपका क्या डिसीजन है, क्या करना है क्या नहीं करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कुछ बच्चों की जो क्वारीज है वो क्या सारा सीन रहा है। सर, काफ़ी सारे स्टूडेंट की मेरे पास ये क्वारी आई थी कि भैया हमने तो जो है ऐसे ही फॉर्म फिल कर दिया था, हमें तो कुछ नॉलेज था नहीं। उसके बाद हमने जो है यूट्यूब पे कुछ वीडियोस वगैरह देखे कि ये डोमेन क्या होता है, ये टेस्ट पेपर कोड क्या होता है, वरना तो जो है हमने तीन ऐसे ही सेलेक्ट कर दिए थे वहाँ पे ऐसे करके, सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। बाद में हमें पता चला कि इसके लिए कॉम्बिनेशन चाहिए होता है, अगर मुझे मैथमेटिक्स MSc करनी है तो उसके लिए मेरे को जो है जनरल टेस्ट भी देना होता है, मेरे को अपना डोमेन का भी लेना होता है। ठीक है, तो ये अब हम क्या करें, हमने तो पहले वहाँ पे गलत सेलेक्ट कर दिया, अब हमारा क्या होगा, अब हमें जो है कितना चार्जेस देना पड़ेगा। एक दूसरा स्टूडेंट का ये क्वारी था कि भैया मेरे जो एग्जाम टेस्ट सेंटर वो चेंज हो चुका है, पहले मैं बिहार में रहता था, अब मैं दिल्ली में रहता हूँ या फिर हिमाचल में रहता हूँ, या फिर मैंने गलत सेलेक्ट कर दिया, तो वो मैं कैसे चेंज करूँ? राइट सर, इसका सबका सोल्यूशन है। काफ़ी सारे स्टूडेंट की ये क्वारी थी कि मेरा ईमेल ID चेंज गलत हो गया, मेरा नाम चेंज हो गया है, मेरे को जो अपना मिडिल नेम जो है वो चेंज करना है, तो मैं क्या करूँ? तो यार सबको क्वारीज के सोल्यूशन देने वाला हूँ आज मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं आपके नाम की, तो यार जस्ट ये तो काफ़ी अनजस्टिस टाइप है कि आप फॉर्म फिल कर रहे हो और आपका नाम ही गलत हो जाए, तो इसके लिए तो NTA भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। और NTA का कहना है कि जो स्टूडेंट अपना नाम ही ठीक से नहीं फिल कर सकता वो अपनी लाइफ में क्या ही करेगा। सो इन लोगों ने क्या किया, नाम को बिल्कुल भी आप एडिट नहीं कर पाएंगे, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपकी ईमेल ID, आपके मोबाइल नंबर और आपका एड्रेस आप चेंज नहीं कर सकते करेक्शन विंडो के अंदर। इसके अलावा आपके करेक्शन विंडो में जो भी सारा ऑप्शन होता है आप सारा का सारा चेंज कर सकते हैं, चाहे यूनिवर्सिटी ऐड करना हो, चाहे पेपर ऐड करना हो, पेपर कोड चेंज करना हो, यूनिवर्सिटी को घटाना हो, जोड़ना हो, कोर्सेज को जोड़ना हो, आपने पहले टेस्ट सेंटर जयपुर रखा था अब आप मुंबई रखना चाहते हैं या फिर अदर स्टेट रखना चाहते हैं, डोंट वरी, आप बेफिक्र चेंज कर सकते हैं बिना किसी चार्जेस के। हालांकि मेरे को CUET के एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर ऐसा कोई भी ऑप्शन दिखा नहीं जहाँ पे मेरे को चार्जेस देना पड़े, तो जो आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना है, ठीक है, CUET के PG के एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, कोई अगर रेयर केस होता है तो आई डोंट नो अबाउट इट। अब भैया हम चेंज कैसे करें, तो इसके लिए यार आपको एक मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो उसका जो लिंक है पिन कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जो है उस पर जाके वीडियो को देख सकते हैं कि मैंने कैसे कैसे फॉर्म को एडिट किया, क्या क्या एडिट कर सकते हैं, क्या क्या एडिट हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एग्जामिनेशन की कि भैया एग्जामिनेशन कब लग सकता है हमारा और जो हम प्रिपरेशन कहाँ से करें इसकी। राइट, सो आपके जो एग्जामिनेशन है यार वो जो है आप मान के चलो 20 अगस्त के बाद में ही होंगे या फिर 19 अगस्त के बाद में ही होंगे, सेप्टेम्बर तक चलेंगे, देन जो है 1 महीने आपकी काउंसलिंग चलेगी, यह जो सारा का सारा प्रोसेस है वो टिल 10वें महीने तक पहुँच जाएगा, फिर जाके जो है आपका कोई सारा का सारा सीन स्टार्ट होगा रिगार्डिंग द कॉलेजेज। तो ये सारा का सारा सीन है CUET का। ठीक है, आपकी कोई और भी क्वारी जो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है, तो आप उसको फर्स्ट व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, उसमें जो है सारी की सारी अपडेट डाली जाती है काउंसलिंग के रिगार्डिंग, जो भी कॉलेजेज हैं उनके कट ऑफ जल्दी हम रिलीज कर रहे होंगे, CUET का जो RNS है वो हम रोज़ रिलीज करते हैं रिगार्डिंग देखिए भैया आज क्या सारा सीन रहा है, किस एग्जामिनेशन का क्या सारा सीन रहा है, सारा का सारा हम रोज़ रिलीज करते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन टेस्ट कोड एंड अदर, तो आप जस्ट सब्सक्राइब करके रखिए एंड एडमिशन की हम आपकी गारंटी लेते हैं कि फुल करा के रहेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आप हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान भी ज्वाइन कर सकते हैं रिगार्डिंग द काउंसलिंग सेशन 2022। ठीक है, जिसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और भी आपकी कोई क्वारी हो तो आप मेरे को इंस्टा पे शेयर करिए या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए। धन्यवाद, थैंक यू।